वहाँ की कैंटीन यहाँ की तरह अच्छी नहीं है। ये भाई फालूदा आ गया हमारा इस। लेकिन हाँ यार, यहाँ से थोड़ा सा इमोशनल अटैच हो जाता है। कुछ इमोशनल कनेक्शन था यहाँ पे, क्या था? सो गाइस, वेलकम बैक टू वर्ल्ड ट्यूशन सिटी। हम लोग आगे नया व्लॉग लेके, और ये व्लॉग स्टार्ट हो रहा है स्टार्टेक में। हमारे ऑफिस जो है हजरतगंज में, टाइम आ चुका है जब हम लोग शिफ्ट करने वाले हैं हजरतगंज से, जो स्टार्टेक जो यहाँ पे था, और अब हम लोग जाने वाले गोमती नगर। तो करना कुछ लोगों के लिए लास्ट दिन है यहाँ पे, और हम लोग भी एक दो दिन में शिफ्ट होने वाले हैं। सो हमारे यहाँ पे खासम खास अली हमजा जी यहाँ पे मिले हुए, जो कि इनका हुआ था स्टार हेल्थ में, वो भी ट्रेनिंग पीरियड चल रहा है। कैसा जा रहा है अभी तक का एक्सपीरियंस? जा रहा अच्छे हैं, ऑल गुड। ये लोग तो भाई यहीं रहने वाले हैं मेरे को जहाँ तक लगता है। तो हमारा प्रोसेस है हैमिल्टन, तो उसका मतलब था कि जाएगा बीबी डी विराज टावर, बट इन लोग का शायद यहीं पे हो, क्योंकि हम लोग के जो ऑफिस है उस पर तुम लोगों को बनाया गया है तुम लोगों का हेल्थ। हम लोग ने इनकी जगह कब, मतलब इनका जो प्रोसेस अभी आया हुआ है ना स्टार हेल्थ, वो मतलब अभी न्यू बॉर्न है यहाँ पे। सिद्धार्थ भाई यहाँ पे बैठे हुए हैं, कैसा फील हो रहा है? अब इन्फॉर्मेशन पक्की हो गई है कि लोग जा रहे हैं। ठीक ही लग रहा है, जब जाएंगे तब देखते हैं, बाकी भाई से पूछ लीजिए। भाई कैसा लग रहा है आपको भी? बहुत अच्छा। इंटरसिटी तो जा ही रही, कल इंटरसिटी में आप वहाँ पे लाइट चली जाती है? हाँ, नई नई बिल्डिंग बनी है तो फैसिलिटीज आए, टाइम लगेगा, थोड़ा सा टाइम लगेगा, पर यहाँ पे हम लोग कम्फर्टेबल हो गए थे। वहाँ पे कैंटीन भी कहते छोटी है, अब तो वहाँ जाने के बाद। सो कुछ अपडेट आप लोगों को दे देते हैं, जैसे कि कल जो है सर ने हम लोगों से गाड़ी का नंबर वगैरह अपडेट कराया था, क्योंकि वहाँ पे पार्किंग के रुपए पड़ने वाले हैं, जो कि हमारी कंपनी पे करने वाली है, और पर डे की वहाँ पे काफ़ी अच्छे खासे चार्जेस हैं, क्योंकि भाई गोमती नगर है, ऑफकोर्स वहाँ पे चार्जिंग का बहुत इशू रहने वाला है। सो हमारे कुलीग्स यहाँ पे बैठे हुए हैं, जो कि अभी डिनर कर रहे हैं। सॉरी टू डिस्टर्ब यू गाइस। अबे साले। सो आयुष कुछ अपने व्यूज दें कि हम लोग शिफ्ट हो रहे हैं यहाँ पे अब फाइनली। भाई मेरे लिए तो बहुत अच्छा है यार, मेरे घर के पास पड़ेगा। आपका घर कहाँ पे? मैं तो बहुत हैप्पी हूँ। आपका घर कहाँ पे? मेरा घर है यार इंदिरा नगर में। अच्छा, इंदिरा नगर से वो पास पड़ेगा? हाँ भाई, मेरे तो बहुत पास पड़ेगा और इनके भी पास ही पड़ेगा। कहना तो नहीं चाहिए, मगर सुनने में आया कि वहाँ की कैंटीन यहाँ की तरह अच्छी नहीं है, छोटी है। छोटी है और इतना अच्छा वैल्यूएबल नहीं है जितनी अच्छी यहाँ की है। आप क्या कहना चाहोगे? हम तो कैंटीन का खाते ही नहीं है, पैसा इतना है कि घर से ले आओ। देसी घी की रोटी लाते हैं, एक गरीब आया नहीं है तो उसको खिला देते। भाई देख लिया जैद भाई का जलवा यहाँ पे। सो टीएल की गाड़ी भाई निकाल ले अपने सर की, और यहाँ पे भाई हमारे, हम अबे आगे तो बढ़ो भाई, जल्दी वहाँ पे हटो। सो गाइस अब लोग बाहर आ गए ऑफिस के, और अब लोग चलने वाले हैं। कहाँ चलने भाई जैद भाई? वेलिंगटन में हम लोग जा रहे हैं अंडर रोल लेने गाइस। हमारी टीएल है चिकन रोल और अंडर रोल लेने जा रहे हैं। हमारी टीएल ने हम लोग को पैसे दिए हैं और हमारे लिए वो बहुत सपोर्टिव है वो हम लोग के लिए। तो अपन लोग आए थे तो रोड पे कराने के लिए, पर यहाँ पर रास्ते पे रुके हमारे फॉलोअर रेडी हो रहे हैं यहाँ पे। कैसा फील कर रहे हैं भाई? यहाँ पे बहुत बढ़िया, जैसा भी उनकी बना रहे हैं बहुत बढ़िया तरीके से बना रहे हैं हमारे भाई। क्या नाम है भाई का? वसीम भाई है हमारे। वसीम भाई यहाँ पे बनाते हैं, जगह का नाम क्या है? ये बालिंगटन पर है, ये बहुत बढ़िया है, फालूदा इनका बहुत फेमस है, और इनके प्राइस बहुत अच्छे अच्छे हैं। ये प्राइस भाई है। ये भाई फालूदा आ गया हमारा, इसमें क्या क्या पड़ा है भाई बताएं? इसमें बहुत बढ़िया से फालूदा पड़ा है, आइसक्रीम पड़ी है, रुआ पड़ा है, प्लस सम चिया सीड्स। चिया सीड्स भी हैं, इसको ट्राई करते हैं अपन लोग। क्या भाई ट्राई करिए, हमें व्यूवर्स को बताइए कैसा है। जैद भाई बताएं, जैद भाई लेके आए हैं।
एक नंबर स्वाट है भाई। शायद भाई के पास वर्ड्स नहीं है इसको बोलने के लिए। सो यहाँ पे बर्गर पैक कराए जा रहे हैं हमारे। अरे तो फेंक दिया भाई हम लोग को। बहुत मुश्किलों से यहाँ पे मिली हुई है एक शॉप जहाँ पे हम लोग आए हुए हैं। किस्मत बहुत अच्छी नहीं है भाई। देखो रोल कहाँ पैक कराने आए थे, रोल भी काम थे इनके पास बचे थे। अपन लोग को ज़्यादा क्वांटिटी चाहिए थी तो बर्गर मौजूद है यहाँ पे, तो बर्गर ही ले रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो कभी कभी मतलब होते हैं भाई, किसी चीज़ से संतुष्ट हो जाना चाहिए हम लोग को। देख रहे हो भाई जलवा, वेज वालों का जलवा देखो भाई। हम लोग कहाँ से पैक करवा के लाए हैं ये नॉन वेज, और वेज के लिए कहाँ पे आए हुए हैं, इतनी वीआईपी जगह कट गए भाई अपना तो। कंपनी के अंदर आ चुके हैं और बर्गर्स आ चुके हैं अपने। पार्टी वेगन होती है, वो पार्टी इसलिए थी क्योंकि तरुण सर दे रहे थे हमारे टीएल जो है। हाँ आ रहे हैं, आ रहे बोला। सो पार्टी वार्टी तो होती रहेगी, अपने सीनियर से पूछते हैं भाई कि वहाँ पे शिफ्ट हो रहे हैं तो क्या इमोशन जुड़े हुए हैं। क्या हम तो भाई दो ही महीना हुआ है मेरे को, पर भाई लोग यहाँ पे सालों से यहाँ पे लगे हुए हैं। सो जैद भाई बताएं कैसा भाई। एक तरीके से ये देखा जाए तो हमारे प्रोसेस के लिए अपग्रेड है एक तरीके का, लेकिन हाँ यार यहाँ से थोड़ा सा इमोशनल अटैच हो ही जाता है इंसान। ये कैफेटेरिया है, ऑफिस है पूरा पूरा, और सिस्टम पूरे लोग जो होते हैं, सारे लोग हैं सब हैं। बहुत सारे छोड़ के भी जा रहे हैं इसी वजह से, जी जी वहाँ पर जा नहीं सकते, अफोर्ड नहीं कर सकते। लेकिन हाँ बुरा तो लग रहा है और कहीं ना कहीं अच्छा भी लग रहा है। बाकी भाई देखो क्या होता है, वॉशरूम में ही बैठ के खा रहा है अगर नहीं है। ये देखो एक बर्गर में दो लोग खाएंगे, इनको कट करने के लिए चाकू चाहिए। अजीब इंसान हो यार, ऐसे हाथ से करो हो जाएगा। हाथ से नहीं की जाती हर चीज, मतलब बांट नहीं पा रहे हो बर्गर को दो में। अरे दांत से बांटूंगा, एक ही बार में निकल जाऊंगा। हाँ एक के किसे दिया पूरा भैया पा है, सही है और क्या। इतने भाई एक आपसे एक मतलब क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि आप यहाँ पे कितना टाइम हो गया आपको यहाँ पे। 13 महीने 13 महीने हो गए। अब हम लोग फाइनली शिफ्ट कर रहे हैं। नहीं हम खा चुके हैं, ब्लॉग में अच्छा बन रहे हैं। अच्छा फाइनली हम लोग शिफ्ट हो रहे हैं गोमती नगर। तो मतलब कैसा फील आ रहा है यहाँ पे, कुछ इमोशनल कनेक्शन था यहाँ पे, क्या था भाई सिग्मा भाई। अबे तुम नए हो यार, इतने भाई पुराने तभी पूछ रहा हूँ। यहाँ भी काम होगा, वहाँ भी काम होगा, सब लोग ही क्योंकि वहाँ पहुँच जाएंगे जितने भी प्रोसेस के हैं। गोमती नगर के लिए बारे में कुछ बताएं जब वहाँ पे शिफ्ट होंगे हम लोग। समिट बिल्डिंग को दिखेंगे केवल कुछ इसे बताई नहीं जाती। समिट बिल्डिंग हमसे तो पूछो क्यों, नाइट शिफ्ट वाले आराम में हुए नहीं। हमसे भी पूछो, क्या पूछूं भाई मैं तुमसे। अब हमने आप बता दो। ब्लॉग में इतने रखते हैं, मिलते हैं किसी नए वीडियो में। तब तक एक बात और सुन के जाइए मेरी, दूसरी कंपनी जाएंगे।